राष्ट्रीयकृत बैंकों में और LIC में विपत्ति के समय के लिए संजो कर रखा था, आज वो धन भी सुरक्षित नहीं है। पहले भी सरकारों ने जो कंपनीज हैं उनको संरक्षण दिया कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन मोदी जी की सरकार में कुछ चंद उद्योगपतियों को देश को लूटने की छूट दी गई, जो आज एक्सपोज हो गया है। इतना बड़ा नाटक कि हमारा ही पैसा LIC के डायरेक्टर्स के मना करने के बाद भी LIC की इक्विटी और शेयर्स अडानी को दिए गए। स्टेट बैंक्स जैसे बैंकों से लोन कम, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम उसमें कागजातों पर दे दिया गया, और जिससे जो देश की बड़ी परिसंपत्तियां थी, रेल के हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की कई संपत्तियां, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स जिसमें बंदरगाह जिनको कहते हैं, उनको औने पौने दाम पे अडानी को देने का काम किया गया। जिसके पास कुछ नहीं था वो मालिक देश का बन गया, और अब जब जांच में पाया गया कि ये सब गलत हुआ है तो शेयर्स गिर रहे हैं। हमें डर है कि देश के लोगों ने जो पैसा LIC और स्टेट बैंक में लगाया है कहीं वो ना डूब जाए। हम चाहते हैं जिस तरीके से अन्य चीज़ों की जाँच PSA ने की है, अडानी के समूह की जाँच भी हो, और सदन में जो लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में चर्चा हो, जिसको सरकार नहीं करने देना चाहती है। सरकार कहती है कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा में करें, लेकिन इतने गंभीर विषय के लिए अलग से चर्चा सदन में बुलाई जानी चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके क्या हुआ है। देश की वित्तीय संस्थाओं के द्वारा को बचाने के लिए LIC SBI की जो पूंजी लगभग 36,500 करोड़ की LIC का पैसा, लगभग 80,000 करोड़ रुपया हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का जिसमें SBI भी शामिल है, वो पिछले एक हफ्ते से अडानी समूह के द्वारा जो कारोबार किए जा रहे हैं उसमें डूब रही है। और ये पैसा ही वित्तीय संस्थाओं का नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ का है। और हमने कांग्रेस पार्टी ने देश के सदन में मांग की है, मांग बहुत सिंपल है कि इतना बड़ा गुड़िया जिसको कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है, इसकी जाँच कोशिश करी। दो जाँच की हमने कहा कि या तो देश की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC बनाई जाए, JPC के द्वारा जांच हो। इस तरीके जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की जो हमारी कंपनियां हैं, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे वो भारतीय जीवन बीमा निगम हो, ऐसी जो संस्थाएं जिसमें हमारे देश का लाखों करोड़ों जो हमारा जिसे कहते हैं उपभोक्ता इससे जुड़ा हुआ है, और ऐसी संस्थाओं से जबरन जो पूंजीपति मित्रों को अपने यहाँ से मतलब जबरन उन पर कि उनको शेयर को खरीदना और उन पर अपनी हिस्सेदारी बनाना, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ देना चाह रही है, और एक आम उपभोक्ता को, एक आम जनता को जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि एक बर्बादी की ओर धकेलना चाह रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और हम लोगों ने आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम के आगे विरोध किया है, और इस माध्यम के माध्यम सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि सरकार अपने उद्योगपतियों को लाभ देना बंद नहीं करेगी तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। LIC से, स्टेट बैंक से कर्जा लेकर जो लोगों की गाड़ी कमाई बैंकों में जमा थी, जिस तरह से उनको लूटने का काम ये सरकार से मिलकर कर रहे हैं, इसके विरोध में आज कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर LIC और स्टेट बैंकों के सामने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। और हम कहना चाहते हैं कि इस देश की गरीब लोग जो बैंकों में अपना जोड़ जोड़ कर पैसा जमा करते हैं, ये सरकार पूंजीपतियों के माध्यम से उस पैसे को लुटाने का काम कर रही है। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी, कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ रही है। कांग्रेस का नारा रहा, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, सरकार के खिलाफ तो हमारा विरोध जारी रहेगा। ये तो हर तरह से लूटने का काम कर रही है, तो इस ये जब तक सरकार नहीं हटा देंगी कांग्रेस, जब तक इसी तरह के धरने प्रदर्शन और आंदोलन होते रहेंगे।